फैन साथियों, इस वीडियो को भाई पूरा देखो। देखने के बाद समझ में आ जाएगा क्यों पूरा देखने के लिए कह रहा हूँ। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। शेयर इसलिए नहीं करना कि मेरा व्यूज बढ़ जाए। भाई देखो वीडियो को लास्ट तक, इसके बाद बात करते हैं। इलेक्शन ड्यूटी में आए हुए हैं मणिपुर हमारे डांसर और हमारे जो नवनिर्मित, ये स्थिति में तो गाय भैंस भी नहीं जाते हैं, वो स्थिति में हमारे देश के जवान जा रहे हैं। ये बोलते हैं डिजिटल इंडिया। यही है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। पाउडर लगा रहे हो, आपको जरूर समझ में आज आ गया क्योंकि मैं शेयर करने के लिए करूँ। भाई शेयर इसलिए नहीं करो कि मेरा व्यूज में, शेयर के चक्कर में मेरा व्यूज बढ़ जाए। इसलिए करो कि सीआरपीएफ भाई बहुत मुश्किल में, ऐसी तकलीफ में सीआरपीएफ भाई ड्यूटी दे रही है। अब मणिपुर में इलेक्शन चल रहे हैं, मणिपुर में इलेक्शन के लिए सीआरपीएफ भाई जा रहा है। देखा ना भाई, गाँव में जब रोड पर गाय भैंस को ऐसे ले जाते हैं भाई, ऐसे कोई फौजी भाई जाता है का भाई? आप लोग कहोगे कि फौजी का लाइफ ऐसा ही होता है। भाई देखो, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो इसके बेटर तो होना चाहिए भाई। फौजी का लाइफ जो हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात होता है, ऐसा लाइफ नहीं होना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स कितना ज्यादा हार्ड ड्यूटी करते भाई, इस छोटे से क्लिप को देख कर आपको समझ में आ जाएगा। आप कह रहे हो गाड़ी में तो बैठी है, भाई गाय भैंस की तरह बैठी है, ठीक है ना? बैठी होता तो ऐसे आज नहीं चलता, गाय भैंस की तरह बैठी है। ये तो सिर्फ बैठी है, कहाँ कहाँ नहीं सीआरपीएफ ड्यूटी देते। सिर्फ सीआरपीएफ नहीं, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स सारी इंडिया में ड्यूटी देते हैं, ठीक है ना भाई? सीआरपीएफ का ड्यूटी कितना ज्यादा हार्ड हो रहा है आपको पता है भाई? जो पास की तैयारी करते हैं उसको जरूर पता है कि सीआरपीएफ का ड्यूटी कितना हार्ड है। और सबसे बड़ा बात, फौजी बांधने में कितना मेहनत है उसके भी पता है। फौजी बांधने में कितना मेहनत है उसको जरूर पता है, जो पास की तैयारी करते उसके बाद भी ये हमारा पैरामिलिट्री फोर्स को पेंशन नहीं दिया जाता। भाई क्यों नहीं दिया जाता? इसको भी पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स बहुत हार्ड ड्यूटी करते भाई। सिर्फ आर्मी भी नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स भी बहुत हार्ड ड्यूटी करते हैं। सीआरपीएफ के बात ही तो अलग है, सीआरपीएफ बीएसएफ बहुत हार्ड ड्यूटी करते हैं भाई। सीआरपीएफ का ड्यूटी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना भाई? हम इसलिए नहीं कह रहे कि सीआरपीएफ का ड्यूटी हार्ड है इसलिए पेंशन नहीं मिले भाई, इसको पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि ये भी जान के बाजी खेल कर हमारे देश का सेवा करते हैं, ठीक है ना भाई? वीडियो को देखो। लोगों बोलोगे कि सीआरपीएफ के ऊपर क्यों इतना जोर दे रहे हो? भाई देखो, सीआरपीएफ में मणिपुर में ड्यूटी ऐसा जा रहा है इसलिए सीआरपीएफ के ऊपर इतना जोर दे रहे हो भाई? सीआरपीएफ का ड्यूटी इतना हार्ड रहता है ना कि बहुत मुश्किल रहता है भाई। सीआरपीएफ पूरा आलू का जैसा रहता है, जो भी सब्जी में डालो वो घुल मिल जाता है। उस सीआरपीएफ जो भी ड्यूटी दो वो घुल मिल के जाकर ड्यूटी काटते हैं। सीआरपीएफ का ड्यूटी इतना हार्ड हो रहा है कि जो काटते हैं उसके ही मालूम है भाई। घर में तुम्हारा कोई सीआरपीएफ रिश्तेदार हो ना तो उसको बताना सीआरपीएफ ड्यूटी कितना हार्ड होता है भाई, ठीक है ना? सीआरपीएफ पूरा एक आलू का जैसा है, जो भी दाल में भी डालो तो घुल मिल जाता है। सीआरपीएफ का ड्यूटी उतना भी है भाई, जो काम सीआरपीएफ को दिया जाए वो जरूर निभाता है सीआरपीएफ, ऐसा होता है सीआरपीएफ का ड्यूटी। जय हिंद भाई, आज का वीडियो यही तक था भाई। फर्स्ट रिलेटेड वीडियो देखना चाहते तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादातर ज्यादा शेयर कर, इसलिए नहीं शेयर कर कि हमारा व्यूज के शेयर के चक्कर में हमारा व्यूज बढ़ जाए भाई, ज्यादातर ज्यादा शेयर ही करना भाई, ठीक है भाई।